हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का आगे का पार्ट जो बच गया था, पार्ट 5। मैं हूं अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस मंच चैनल। हम लोग कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, राजीव अहिर की बुक। तो उसी की श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का आज जो जहाँ से कल छोड़ा था वहाँ से आज शुरू करते हैं हम लोग। जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप लोगों के काम की बहुत सारी वीडियोस चलाई जा रही हैं, एमपीपीएससी मेंस, यूपीपीएससी मेंस, सीटेट, केवीएस, एनवीएस सबसे रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर चलाई जा रही है। तो एक बार आप वहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा जब ये चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पे दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर के 4 पार्ट हो चुके हैं, हम पाँचवा पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप एक बार ये सब देख के रिवाइज कर लीजिए कि कौन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, कौन कौन से नेताओं ने इसमें भाग लिए, कौन कौन से सुधार किए गए और संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए, ये सब हम इसमें देखेंगे। जो भी चैप्टर में हमें दिया हुआ है उसकी पूरी समरी हम यहाँ पर करेंगे। तो आप ये लोग ये देख सकते हैं पूरा अच्छे से। हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि लास्ट जो हमने किया था वो हमने किया था कि राजा राममोहन रॉय और ब्रह्म समाज, इसके बारे में पूरी जानकारी देखी थी और टू द पॉइंट हमने सारा इसका फैक्ट्स देखा था। ब्रह्म समाज का योगदान भी हमने लास्ट क्लास में देखा था पार्ट 4 में। आज हम देखेंगे ब्रह्म समाज के आगे नेक्स्ट इसमें है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज के ही प्रभाव से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ये इनकी पिक्चर है, आप इन्हें क्लियरली समझ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं तो प्रार्थना समाज जो शुभारंभ हुआ था इसका शुभारंभ हुआ था 1849 में, महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ हुआ था और पहले इसे जाना जाता था परमहंस सभा के नाम से। और परमहंस सभा बाद में ये बनी ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी परमहंस सभा, जो कि बिल्कुल गुप्त समाज था और समाज सुधारक की गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता था और इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत ही सीमित था परमहंस सभा का। तो 1860 में परमहंस सभा का विघटन हो गया और 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में वो सामने आया। और इसकी जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज के समान ये भी एक बौद्धिक एकतावादी संगठन था, बट इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधार पे ज़्यादा बल दिया गया था और इसके प्रमुख उद्देश्य थे, आप मेन उद्देश्य वही हैं जो ब्रह्म समाज के थे, जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, लड़के और लड़कियों की आयु में वृद्धि करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। इससे जो रिलेटेड व्यक्तित्व थे, मतलब कि प्रार्थना समाज में अनेक बहुत सारे जो नेता थे, व्यक्ति थे, उन्होंने सहभागिता की थी, उनमें से प्रमुख थे महादेव गोविंद रानाडे, एनजी चंदावरकर और आरजी भटनागर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज से इनमें से संबंधित कौन है या कौन नहीं है, तो आप इस हिसाब से इसे याद रखेंगे। तो ये प्रार्थना समाज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। आगे हम बात करते हैं यंग बंग आंदोलन की और हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में। ये इनकी पिक्चर दी गई है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि 19वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल में जो बुद्धिजीवी थे उसमें रेडिकल को उग्रवादी प्रवृत्ति कहा जाता है, बहुत ज़्यादा जो उग्रवाद फैलाते हैं वो, उनका जन्म हुआ था। और ये जो उग्रवादी प्रवृत्ति थी ये राजा राममोहन राय से के विचारों से, क्योंकि राजा राममोहन राय की भी विचार बहुत ज़्यादा आधुनिक थे, बट ये जो इनकी प्रवृत्ति थी यंग बंग आंदोलन की, इनकी प्रवृत्ति उनसे भी ज़्यादा क्रांतिकारी थी। इसी आंदोलन को यंग बंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यंग बंग आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो और इन्होंने हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था और ये एक आंग्ल भारतीय थे।
इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी और ये फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने इंडिया में सुधार कार्यक्रम चलाया था। उन्होंने उनके अनुयायियों ने जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो अंधविश्वास है, उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे कई संगठनों की स्थापना की, और उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, इन सब की गठन किया, इन सब क्लब्स का गठन किया। और हिंदुओं से जब इनका कट्टर जो हिंदू थे उनसे इनका मतभेद हो गया, और इस कारण से 1831 में डोरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके पश्चात वह ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र था उसका संपादन करने लगे। इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वह हिंदू कॉलेज ही था। डेरोजियो के जो समर्थक थे उन्होंने पुरानी और जो हास्योन्मुखी, जो मतलब खत्म होने वाली प्रथाएं थी और सामाजिक व धार्मिक अनुष्ठानों की बहुत ज्यादा निंदा की, और नारी शिक्षा की इन लोगों ने जोरदार वकालत की। यंग बंग आंदोलन कई वर्षों तक चलता रहा, बट प्रारंभ से ही हिंदू कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया। हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा इस आंदोलन के संबंध में विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगाए जाने से ये आंदोलन सफल नहीं हो सका, और जिस साल इनको निकाला गया हिंदू कॉलेज से उसी साल इनकी मृत्यु हो गई। मतलब 1831 में इनकी मृत्यु होने से आंदोलन पूरी तरह बिखर गया। मम्मी बट ये आंदोलन ज्यादा सफल नहीं रहा, किंतु इसके बावजूद भी राजा राममोहन राय के विचारों को इसने आगे बढ़ाया और अन्य कई क्षेत्र में बहुत प्रशंसनीय कार्य किए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को आधुनिक बंगाल बंगाल में आधुनिक सभ्यता का मम्मी जनक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। तो ये था प्रार्थना, ये था यंग बंग आंदोलन के बारे में पूरे फैक्ट्स। आगे हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। इनका इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 को और इनकी मृत्यु हुई थी 29 जुलाई 1891 को। इनके बारे में जान लेते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक थे। इन्होंने इनके अंदर जो भारतीय और पाश्चात्य विचारों का टोटली समन्वय था, किसी एक को ये प्रेफरेंस नहीं देते थे। और 1850 में ये संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने थे, और उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी थी और गैर ब्राह्मण जातियों को भी संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त करके संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रबंध किया, जिससे कॉलेज की आधुनिक दृष्टिकोण का प्रचार हुआ। उन्होंने संस्कृत शिक्षा को नया रूप प्रदान किया और इसे बना पढ़ाने के लिए नई तकनीक भी विकसित की। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए बांग्ला भाषा में वर्णमाला भी लिखी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने विधवा विवाह के लिए बहुत सशक्त आंदोलन चलाए, जिसके फलस्वरूप इन्हीं के आंदोलन के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली 1856 में। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उन्होंने बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन देने हेतु अथक प्रयास किया। ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत सारे बालिका विद्यालयों से संबंधित थे, और जिनमें से कई स्कूलों का संचालन तो वे खुद स्वयं के खर्चे से भी करते थे। 1849 में स्थापित जो बैथून स्कूल था उसके सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों की उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। 1840 से 1850 के दशक में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे जो भी आंदोलन थे उसका फलस्वरूप ही कलकत्ता में बैथून स्कूल की स्थापना हुई थी 1849 में। हमने पहले इसके बारे में बात की थी। यद्यपि ये जो आंदोलन चलाया गया इसमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। स्कूल के जो युवा छात्र थे विरुद्ध नारे लगाए गए, अपमान किया गया और अभिभावकों ने भी इनका सामाजिक बहिष्कार किया था। बट अगर इन सब होने के बावजूद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी जो भी उनकी राह थी वो नहीं छोड़ी और अब समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं बाल गंगाधर शास्त्री जांभेकर के बारे में।
ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इनका कार्य क्षेत्र बॉम्बे था और इन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी। ये मेनली महाराष्ट्र में काम करते थे और हिंदुत्व को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने कड़े प्रयास किए। 1832 में उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये इनके बारे में एक मेन फैक्ट है, इन्होंने दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया, बाल गंगाधर शास्त्री जांभेकर। तो आज यही खत्म होते हैं कुछ समाज सुधारकों के नाम और कुछ उनके आंदोलनों के नाम। तो ज़्यादा अगर आगे बढ़ाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, छोटी छोटी पार्ट्स में करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, पार्ट 6 में मैं और भी जितने आंदोलन हैं और आंदोलनकर्ता हैं उनके बारे में जानकारी लेकर आऊँगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।